नजर नहीं लग रही। नहीं आप इतना शर्माते क्यों है वीडियो में आ गए? ऐसे ही आप लोग जो है वो मेरी दोस्त कायरा को तो जानते ही हैं, काफी दिनों से मेरे से जुदा हैं, आ चुकी हैं मिलने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यूट्यूब की उज़्मा की फैमिली। दो नैनों के पेचीदा सोगलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। हाँ अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया, छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकाल कर आप मेरा व्लॉग देखते हैं और अच्छे से कमेंट्स करते हैं, ये आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, मैं सिलाई स्कूल में हूँ, मुन्ने का आज फर्स्ट डे है कॉलेज, तो मैं उसको सी ऑफ नहीं कर पाई क्योंकि मैं सिलाई स्कूल हूँ और मुन्ना है घर पे, तो वो कॉलेज गया होगा। मैं भी वो वापसी पे मुझे इधर मिलने आए और मुझे मिलते हुए जाए, क्योंकि मैं उससे बड़ा उदास हूँ। फौरन मुझे स्कूल आना पड़ा, क्योंकि आपको पता है सारे मसले मसाइल मैंने ही देखने होते हैं, अकेला मैं बंदा हूँ, अकेली मेरी जान है और दुख है हज़ार, तो आप लोग साथ जुड़े रहेंगे तो ये दुख भी कम होते जाएंगे। बारिशों का सिलसिला थम चुका है, लेकिन बारिशों से बहुत बड़ी तबाही हुई, बड़े बड़े लोगों के यानी कि घर जो हैं उनको नुकसान पहुंचा, सामान ख़राब हो गया। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। आज के व्लॉग आगाज़ करते हैं, और जैसा कि आपको पता है कपड़ों का छोटा सा हमने काम स्टार्ट किया है, तो अगर आपको ब्रांडेड कपड़े अच्छे वाले लोन के गारंटी के साथ चाहिए तो आप मेरे से जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर आपको पिक्स मिल जाएंगी, आप जो कलर जो डिज़ाइन पसंद करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो आए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मेरा पौधा फिर से चल पड़ा है, अब्बू के बाद ये बिल्कुल सूख गया था, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत हुई है, तो ये देखें कितना प्यारा। तो अभी मैं और भी दरख्त लगाने जा रही हूँ इंशाल्लाह, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल माशाल्लाह से इसने ऊपर तक पत्ते जो है ना निकाल लिए हैं, तो चलते हैं अंदर। और आज मैंने करना है इधर एक बड़ा दबंग शो, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। तो फिलहाल सिलाई स्कूल में हूँ, मुन्ने का वेट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ बात। मेरी जान, आज आपका फर्स्ट डे था कॉलेज में, कैसा रहा? हाउ वाज द डे? शुक्र अल्लाह का अच्छा गुजर गया। मेरी मिठी, मेरी सोहनी, मैं तो इत्थे ही रह सा, इत्थे ही सों सा। वो आए थे मेहमान मेरे कोल ही सों सा, आज मैं तक किते ना जा सा। जी मेरी मिठी बड़ा प्यारा बोलते हैं वो सराइकिन जो ना, वो बड़ा प्यारा बोलते हैं। तो अब आप कॉलेज से आ चुके हैं, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आए हो? आपको पता मम्मा रात से भूखी है। मैं खुद कुछ नहीं खाया। क्यों? टम्मी तो लग रहा जैसे तूने बड़ा कुछ खाया हुआ है। कुछ नहीं खाया, सिर्फ सुबह एक पराठा खाया था बस, अब घर जाके रोटी खाऊंगा। सही बता, ये तूने बाजू में क्या पहन रखा है भाई? ये मुझे रस्ते पे पड़ा हुआ मिला था, मैं उठा लिया। चल उठा के फेंक, रस्ते में पड़ी हुई चीजें पहनता है कोई है तेरा हाल? नबीर भाई अब देख लें आप, हैं नजर नहीं लग रही। नहीं आप इतना शर्माते क्यों है वीडियो में आ गए? ऐसे ही आज थंबनेल लग जाना, नवीद इतना शर्माता क्यों है? नहीं नहीं बताएं बताएं, सीरियसली आई मैंने तेरा ही थंबनेल लगाना। थोड़े से लोग देखते हैं ना तो वो फिर सवाल करते होते हैं। क्या? बस कुछ भी। क्या सवाल बनने? मैंने आज आपको देखा था इधर। अच्छा कौन से लोग देख के आपको सवाल करते हैं? एक दो लोग हैं। अच्छा तू जो ना तू बड़ा प्यारा है। तुम्हारी बेगम कहती है जानू मैंने आज आपको देखा था, जानू कहती है कि नवीद कहती है कि नवीदू कहती है? बहुत लाडियां चढ़ी हो तो कह देती है, नहीं तो नहीं। नहीं जब लाडियां चढ़ी हो फिर किस नाम से पुकारती हैं? जानू ही कह रही। उन्हें और शर्मा आ गया नवीद। आज थंबनेल लग गया जी, नवीद शर्माते क्यों है? नवीद भाई आए आपका आज फोटो लेते हैं, फोटो लेकर लगाते हैं। मुन्ना भाई ने अपना हेलमेट पकड़ लिया और जा रहे हैं। है राज बता दिया नवीद भाई ने आज मुन्ने ब्लॉग में, राज बता दिया कि शर्माते क्यों है, कोई इनको चोरी चोरी देखता है, चोरी चोरी ने खुले आम देखे आप नवीद भाई को हैं। तो व्यूवर्स आज जो है ना मैं अपने चैनल के ऊपर एक बड़ा दबंग शो करने जा रही, तो उसकी वीडियो भी बनाएगा नवीद भाई। ये देखें सेटअप सारा तैयार हो चुका है, देखें कितना खूबसूरत, ये सिंगर आ चुके हैं और हम बनाने लगे हैं, शो करने लगे आज बड़ा दबंग शो। एक बंदे का इंतजार। हाँ वो देखे मैं फोन भी कर रही हूँ, तो आप इतनी दुनिया बाइकों पे हमारे घर पहुंच चुकी है। किसी को टाइम देके 12 बजे का टाइम दिया, और टाइम देख ले 2:15 हो गए हैं।
वो बेचारा अपनी जॉब से आया है। मेरी मिठी मेरी सोनी मैं क्या सा मेरी मिठी मेरी सोनी, उनके मुंह से प्यारा ही बड़ा लगता है ना। हाँ जी, क्या ऐसे बोलते मेरी मिठी मेरी सोनी। चले बेस्ट ऑफ लक, द्रुदे पाक पढ़ते हुए जाना मेरे पुत्र ने, ठीक है? मेरी पुत्री ने द्रुदे पाक पढ़ के जाना, फिर मम्मा रात को आ गए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, चलो जाओ जी। शहजादे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ शहजादे, आ जाओ, आ जाओ शहजादे, आ जाओ, आ जाओ। ये मेरे सिलाई स्कूल के शहजादे हैं, हमने एक बड़ा दबंग आज शो किया है और ये अब जा रहे हैं सारे। कैसा रहा शो हमारा? बहुत मजा आया। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, तो जब वो अपलोड होगा ना तो आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को जो हमारा शो है वो कैसा लगा, ठीक है जी। शो के जो हमारे मेहमान थे उनका टूटा हुआ था दिल, ब्रेकअप हुआ था, उसी के बारे में आज हुआ शो। ऐसा दबंग शो मैंने किया, देखे ये स्टाइल करके पाया पहन के, देखे सारे बच्चे भी आए थे आज शो में, डिफरेंट जगहों से आए थे लोग, डिफरेंट टैलेंट के साथ, किसी ने गाना गाया, किसी ने शेर पढ़ा, और बड़ा दबंग शो गया। आप जरूर देखिएगा, जब मैं वो अपलोड करूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी आपकी दिल की बात जो आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा के प्लेटफॉर्म पे आगे कहना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे शो में। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर दबंग से काम के साथ और सिलाई क्या कहते हैं सूटों के साथ, सिलाई सेंटर के। दिए देखिए कितने प्यारे सूट। आप लोग जो है वो मेरी दोस्त कायरा को तो जानते ही हैं, काफ़ी दिनों से मेरे से जुदा हैं, आ चुकी हैं मिलने। अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल है यूट्यूब की उज़्मा की फैमिली? नहीं, मेरी आर्मी जेरी मैंने बड़ी सपोर्ट कर दी। माशाल्लाह। हाँ, फैमिली तो नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती ज्यादातर, आर्मी सपोर्ट कर दी जी। कैसे हैं आप? इतने दिन कहाँ जनाब गायब थे, हैं? कहाँ गायब थे हम? इतने दिनों से इसने मुझे लारे लगाए, मैं आ जाऊंगी कल आऊंगी, आ जाऊंगी कल आऊंगी, लेकिन आ जाए। क्या लेके जा रहे हो भाई? अच्छा, वो जो मेहमान आए हैं वो लेके आए हैं? हाँ जी। ये क्या है, क्या दिखाएं? इसको हम कहते हैं पकवान। पकवान? हाँ, हमारी जुबान में, पठानों की जुबान में। हाँ जी। क्या कहा था? पकवान, मीठा पकवान। तारा को भी दो, मीठी रोटी की तरह होती है ना। मेरे घर आ चुके हैं मेहमान तो वो लेके आए हैं, ठीक है? मेहमान आए हैं जहानिया से जी, आज काफी सारे मेहमान आए हैं तो वो तो कैमरे के सामने नहीं आते, शाये हैं, लेकिन बताती हूँ जहानिया से मुझे मिलने आए हैं। तायरा भी आ गई है। तायरा साहब कुछ लाए हैं? हाँ जी, मैं तो डेकोरेशन के लिए लाई हूँ। हाँ, डेकोरेशन स्कूल तो हो गया। अच्छा, आप स्कूल के लिए लाई हैं, क्या बात है, वाओ। ये तो लिए नहीं है, ये कितनी प्यारी टोकरी। हाँ, इसके अंदर ये अब लगेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, लगा के देखते हैं। तो इंजॉय करते हैं आज का व्लॉग, आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। फिलहाल एक सिंगर आए हैं, उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास आ चुके हैं गुजरात से जुनेद भाई, जिनकी आवाज़ बड़ी दबंग है और छा गए हैं पूरी दुनिया में। अरिजीत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हीं के गाने गाकर ये वायरल भी हो गए। तो आइए आज हमें ये क्या सुनाते हैं, इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है आप? जी मैं ठीक हूं। आज क्या सुना रहे हैं? आज मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूं, वे कमलिया। वे कमलिया जी। अच्छा जी। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सोगलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल, वे कम ले आ वे कम ले आ वे कम ले आ मेरे नादान दिल। क्या बात है जुनेद भाई, छाए बड़े हैं। कोई और एक छोटू सा प्यारा सा आपको एक लाइन नबील शौकत अली का एक सॉन्ग है, वो सुनाता हूं। अच्छा। मेरी सारी दुआएं मेरी सारी वफाएं
मांगती है ये तुझसे, तू भी सुन ले सदा मेरी सारी वो गम खारियां, जा देखी तेरी यारियां, जा देखी तेरी यारियां। क्या बात, बहुत अच्छी आपकी आवाज है, और अल्लाह करे कि आप जो है ना वो बड़ी तरक्की पाए इस आवाज के थ्रू इंशाल्लाह। थैंक यू आपका कि आप तशरीफ लाए और आपने हमारा जो है ना शो उसको चार चांद लगाए। ना खरीद लिया जाए, पैसे सेव करें उन मीम भाई। हाँ सेविंग करते हैं। अंकल कितने का है? 230 रुपए का। नहीं ना महंगा नहीं, मेरे को 200 भी होने फिर मैं नहीं ना पा रहा। 200 रुपया ला। नहीं तुसी थोड़े घट करो, ताड़ी मेहरबानी, मैं पैसे सेव करने ने, फिर जो सेव हो जाएंगे फिर मैं तुम्हें भी दवा ले आगे। 180 रुपया ला, फिर तो काट। अच्छा पकड़े फिर इसमें कितने भी कर दो, करके ताना कर रहे मुंह तो ना बनवा लीजिएगा बाबा जी। अच्छा तो कितने का कह रहे हैं? 180 का। इसमें पैसे कैसे आप, इसका तो वो है। अच्छा इसके अंदर ठीक है, तो कितने को मैं जमा कर लूंगी बताएं? माशाल्लाह 1000 साल बहुत है, फिर 2 लाख ही आ सकते हैं। 2 लाख? 2 लाख इसमें जमा हो सकता है नवीद भाई? 2 लाख रुपए। चले जब 2 लाख जमा होंगे तो मैं तोड़ के आपके पास ही आऊंगा। ठीक है जी मैं देनी हूँ, तोड़ गया ना तो मैं आगे 180 वापस ले लेना। चलो 20 रुपए दो, मैं गोला खावा। शुक्रिया। आज मैं लाई हूँ गुल्लक, ठीक है? देखें मैंने कहा जो कपड़े सेल होंगे ना उनके सारे पैसे हम इसमें जमा करेंगे, ठीक है, ताकि वो सेफ रहें, फिर उसमें जो प्रॉफिट आएगा थोड़ा बहुत वो डाल के फिर हम और कपड़े लाएंगे। इस तरह करते करते फिर एक दिन हमारी जो है ना इंशाल्लाह काफ़ी बड़ी सारी जो है ना वो फैक्ट्री लग जाएगी, ठीक है, जिसमें इतने लोगों का रोज़गार भी होगा, बड़े लोग मुस्तफ़ीद भी होंगे और हॉस्पिटल को फ़ायदा पहुंचेगा। तो व्यूअर्स आपने सब ने मेरे इस गुल्लक के लिए जो है ना वो दुआ करनी है। गुल्लक में कितने लाख रुपए आज मैं डालने लगी हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक जी इसमें आपने ना बरकत डालनी है। कपड़ों का जो काम शुरू किया है उसमें अल्लाह भी मेरे पार्टनर है, कितने परसेंट के हैं वो मेरा और अल्लाह का मामला है। तो फिलहाल बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने जो सूट सेल किए हैं उनमें से एक 500 का नोट इसमें डाल के देखते हैं कि आसानी से जो है वो हम कामयाब होते भी हैं कि नहीं जी। हाँ 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 क्या बहुत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह याद आवाज भी आ रही। तो ये गुल्लक इतनी बरकत वाला हो जाए फिर मैं एक दिन इसको तोड़ूंगी और इसमें से लाखों रुपया निकलेगा। तो आपने मेरा साथ देना है, दबंग कपड़े सेल हो फिर वो पैसे हम इसमें डालें, फिर हम निकालें तो इतने पैसे हो उसके और कपड़े लेके आए, ठीक है? जी मेरी प्यारी सी फौज, मेरी प्यारी सी आर्मी, वेलकम बैक हो गया फिर से। ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, उदास भी हूँ क्योंकि आज सिलाई स्कूल में रहना पड़ेगा। आज इधर ही रह रही हूँ, मेरे पास आ चुके हैं मेहमान जहानिया से, काफ़ी दूर है वो, तो वो रात नहीं जा सकते और मैं भी घर उनको नहीं जा सकती क्योंकि घर काफ़ी दूर है, फिर वहाँ से उनको सुबह लेके आना भी मुश्किल होगा, तो कन्वेंस भी कोई नहीं है। तो अभी मैं आज उनके साथ आज रात इधर ही रुकूँगी, तो यहीं पर लेटने की कोशिश करती हूँ। सामने क्या करूँ, वो तो उधर एक ऑफिस में लेट गए हैं जो अंकल जी हैं और जो आंटी हैं और उनकी बेटी हैं, वो रूम में चले गए हैं, तो मैंने कहा मैं इधर ही लेटती हूँ। तो अभी ईशा की नमाज़ पढ़नी है, पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाऊँगी। मेरी आंखें बड़ी दर्द कर रही हैं, आँख ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, कल ना बड़ा पसीना गया मेरी आँख के अंदर जिसकी वजह से मेरी दोनों आँखें सूजी हुई थी सुबह जब मैं उठी हूँ। तो आज मैं जल्दी आ गई थी ऑफ़िस और मुझे नहीं पता था कि मैं घर नहीं जा पाऊँगी, मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ,
ना दोपहर में खाना खाया, अब रात में जो है ना थोड़ा सा खाना खाने लगे हम। दाल लेके आई हूँ, बाइट से लेके आई हूँ और साथ चिकन, तो वही उनको खिलाती हूँ, मेहमानों को खुद भी। और फिर जो है सुबह अब मैं घर जाऊँगी। सुबह भी कहाँ जाया जाना, रात पड़ जानी है, तो कल रात को ही घर जाऊँगी। तो आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करनी है, दबा के मेरा गुल्लक पैसों से भर जाए, ये भी आपने दुआ करनी है। कपड़े अच्छे से सेल होने शुरू हो जाएं, ये भी आपने दुआ करनी है। मेरी दुआएं और मेरा प्यार आप सब लोगों के लिए। तो कितना नीट एंड क्लीन ऑफिस है और सुकून फील हो रहा है देख के ना, प्यारे प्यारे से कर्टन और चारों तरफ चीज़ें जो है, देख के सुकून फील हो रहा है। तो आज यहाँ पे मैंने बड़ा दबंग शो किया था। अगर आप भी मेरे शो में आना चाहते हैं, इन सोफ़ों की जीनत बनना चाहते हैं, यहाँ पे बैठना चाहते हैं, सामने गेस्ट के साथ बातें करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं 39 हबीब पार्क, सैनमा वाली गली, मुल्तान चुंगी, लाहौर। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं दबंग ब्लॉग के साथ। जब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।